हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का नीलम भारती किचन में स्वागत है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ सूजी का चमचम मिठाई रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो हम यहाँ पर गैस पे एक पैन चढ़ा करके गरम कर लिए हैं। तो अब इसमें डालेंगे हम 1.5 कप सूजी और इसे हम हल्का सा भूनेंगे और गैस को हम लो ही रखेंगे। तो यहाँ पर सूजी को हम 1 मिनट लो गैस पे भून लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे दूध और 1 गिलास दूध लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और इसे हम इस तरह मिक्स करते जाएंगे। दूध डाल के इसे हम मिलाते रहेंगे और इसे डो के तरह हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये डो के तरह तैयार हो गया। अब इसे हम 1 प्लेट में निकाल लिए हैं और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तब तक हम इधर चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए हम यहाँ पे पैन दोबारा चढ़ा करके 1 गिलास पानी डाल दिए और 1 कप चीनी डाल दिए और इसे मिक्स करते हुए इसका हम चाशनी तैयार करेंगे और साथ में इलायची पाउडर भी डाल दिए। अब चलिए इसे मिक्स करते हुए चाशनी तैयार कर लेंगे। जब तक इधर चाशनी तैयार हो रहा है तब तक हम उधर डो भी देख लेते हैं। तो इधर डो भी हल्का सा ठंडा हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप चीनी, 1/2 कप नारियल का बुरादा, 1/2 कप मिल्क पाउडर। अब इन सभी को हम हाथ में घी लगा करके इसे अच्छी तरह से मसलते जाएंगे और मसलते हुए हम इसे चिकना कर लेंगे। तो देखिए हम सभी को मिक्स करते हुए एक चिकना डो तैयार कर लिए। फिर से हम दोबारा हाथ में घी लगाएंगे और इसमें से हम थोड़ा सा नींबू आकार का लोई लेंगे और इसे हम गोल करते हुए सिलेंडर का आकार में बना लेंगे। ये देखिए इस तरह करके, और इसी तरह करके सभी बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सभी बना करके तैयार कर लिए। अब चलिए हम चाशनी देख लेते हैं। तो इधर चाशनी भी बनके रेडी है। अब इस चाशनी में हम तैयार किए हुए मिठाई को डालेंगे, इस तरह करके सभी को डाल देंगे। और इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। दो मिनट हो गया तो हम ढक्कन हटा करके देख लेते हैं और इसे हम कलछी से उलट पुलट कर देंगे इस तरह करके। और इसी तरह करते हुए हम लगभग 10 मिनट पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पकाए हुए 10 मिनट हो गया है और अच्छी तरह से ये फूल भी गया है। तो अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और मिठाई को चाशनी में ही 1/2 घंटा के लिए छोड़ देंगे। तो इसे रखे हुए 30 मिनट हो गया। तो हम यहाँ पर नारियल का बुरादा ले लिए हैं। अब इस चाशनी से हम एक एक करके मिठाई को निकालेंगे। इस नारियल के बुरादा में इस तरह कोट कर लेंगे। और इसी तरह करके सभी को करके तैयार कर लेंगे। तो अब ये हमारा सूजी का चमचम मिठाई रेसिपी बनके रेडी है।
आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।